दोस्तों जब भी कोई कंपनी आज के टाइम में अपना कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च करती है, लॉन्च इवेंट में वो बड़ा बड़ा हाईलाइट कर देते हैं, 3 साल के अपडेट्स मिलेंगे, 4 साल के अपडेट्स मिलेंगे, 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो बिल्कुल एंड। इसी बीच गैलेक्सी J2 2016 में जो लॉन्च हुआ था, अब भी इस स्मार्टफोन में हमें अपडेट देखने को मिल रहे हैं। 6-7 साल पुराने ये स्मार्टफोन है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें एक अपडेट आया हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग चीज ये हमें अभी देखने को मिली हुई है। अभी नहीं कि 2-3 साल बाद सैमसंग ने अपडेट पुश किया, थोड़े टाइम पहले यानी कि थोड़े महीने पहले भी इस स्मार्टफोन में हमें अपडेट देखने को मिल रहा था। इसका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट था वो आई थिंक 3 या 4 साल पहले ही एंड हो गया था, लेकिन अभी भी सैमसंग को पता है कि जो उनके यूजर्स हैं J2 को अभी भी यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज ये एक 4G स्मार्टफोन है और काफ़ी अच्छी चीज़ें उस टाइम अपने साथ बिल्कुल लेकर आया था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट ये यहाँ पर दिखा रहा है। किसी भी तरह का सिक्योरिटी पैच इस अपडेट के साथ ऐड नहीं किया जाएगा, बिकॉज सिक्योरिटी पैच की पॉलिसी से ये बाहर है। और 9 MB का अपडेट है ये, जस्ट 9.5 MB का। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो GPS है उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो सैमसंग ने ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखी है कि जो GPS है, जब भी आप ट्रैकिंग करते हो, लोकेशन वगैरह पे जाते हो, तो वो वहाँ पर कुछ इश्यूज वगैरह आ रहे होंगे, बग्स वगैरह थे, तो वो चीज़ यहाँ पर फिक्स की गई है। डिवाइस स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स एंड बग्स फिक्सेस। तो अभी भी देखिए ऐसा ब्रांड जो है ध्यान रख रही है अपने फोन का, और जो स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर रही है, और जो बग्स हैं उसको फिक्स कर रही है। इसी के साथ ही फर्दर इंप्रूवमेंट्स भी हमें इस अपडेट के साथ देखने को मिली हैं। अब सबसे बड़ी बात, अगर अभी भी आप J2 2016 वाला फ़ोन यूज़ करते हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके स्मार्टफोन में पहले जो स्टोरेज थी वो काफ़ी कम थी, तो इस अपडेट को करने के बाद जो है स्टोरेज आपको और ज़्यादा फ्री होती हुई देखने को मिल जाएगी। बिकॉज कुछ ऐसी सिस्टम ऐप्स थी या सिस्टम केस थे या सेटिंग्स थी, उन्होंने आपके सिस्टम की जो स्टोरेज है वो फालतू की ही कंज्यूम की हुई थी, तो इस अपडेट के बाद वो जो स्टोरेज है वो डेफिनेटली फ्री होने वाली है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बन जाती है, और अभी भी सैमसंग अपने स्मार्टफोन का इतना ध्यान रख रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस तरह की सैमसंग वीडियोज आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।